महाराष्ट्र सरकार ने 18 मई से 1 जून तक संचार बंदी लागू की। इस संचार बंदी में नियमों का पालन करते हुए नागरिकों को भी सुविधा मिले, इस विषय को लेकर उप विभागीय अधिकारी चंद्रबान खंडाइत ने आढ़ावा सभा का आयोजन किया। नगर परिषद की नई इमारत में आयोजित सभा में नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, तहसीलदार श्रीराम मुंडरा और तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कीर्ति दिघे की प्रमुखता से उपस्थित थी। इस सभा में व्यापारी संघ के सदस्यों ने अपनी समस्याएं रखी, उस पर नियमों का पालन करके ही व्यापारियों को सहूलियत दी जाएगी। दुकान का आधा शटर खोलकर घर पहुंच सेवा की जा सकेगी। इसके लिए व्यवसायी को दुकान लाइसेंस, आधार कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देकर घर पहुंचकर सेवा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और घर पहुंच सेवा देते समय उनके पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखना आवश्यक बताया गया है। अंडे, मटन, मच्छी, अनाज, चक्की और अन्य खाद्य पदार्थ की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सब्जी फल की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 7 से दोपहर 1 तक आधा शटर खोलकर घर पहुंच सेवा के लिए मंजूरी दी गई। खेती बाड़ी के साहित्य की घर पहुंच सेवा के लिए तालुका कृषि अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा। सीमेंट, रेत और मकान बनवाने के साहित्य के लिए जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र लेने की सूचना की गई है। इसमें किसी भी दुकान में ग्राहक को माल बेचते पाए जाने पर दंड किए जाने की चेतावनी भी दी गई। काल जे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होतं ते उद्याला काही प्रमाणात सिबिल होणार आहे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी काल ऑर्डर काढलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये होम डिलिव्हरी अंतर्गत प्रोविजन केलेली आहे। तर महत्त्वाचं म्हणजे काय, कोणत्याही ठिकाणी लोकांची गर्दी होऊ नये, कारण का गर्दी झाल्यामुळे हा जो व्हायरस आहे तो मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड होतो आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याला होम डिलिव्हरी सिस्टम व याच्यामध्ये जसं किराणा दुकान आहेत किंवा भाजीपाला आहे किंवा फ्रूट मार्केट, मटन मार्केट आहे, तर यांना इसेन्शियल कमिटी अंतर्गत सुविधा देण्यात आली आहे, परंतु त्यांना होम डिलिव्हरी द्यायची आहे। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणूरकर की रिपोर्ट।